जी सर, दो ना सर है। जाती हूँ। दवाई आपका सर दर्द हो रहा है तो मैं सर दबा दूं? नहीं। दबाती हूँ ना, थोड़ा दर्द कम हो जाएगा। नहीं, मैं दवाई खा लूंगा। कुणाल, अभी तक सो रहे हो तुम लोगों? बाहर सब लोग आ चुके हैं, पूजा का समय हो गया, जल्दी से तैयार होकर बाहर आओ। पूजा? पापा, आज किस बात की पूजा? आज आनंद की बरसी है बेटा। बरसी की पूजा तुम दोनों को साथ में करनी है, जल्दी से तैयार होकर बाहर आओ। साले कुछ कंट्रोल नहीं है अपने पे। कुछ सोचा नहीं, ऐसा कैसे कर सकता तू? भूल गया, आज आनंद की बरसी है।
अभी याद है? क्या सोच रहा था, क्या कर दिया? साला कोई कंट्रोल नहीं। इमोशंस को संभाल कुनाल, क्या कर रहा है? नहीं! कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता है? हाँ दीदी, कैसी सी बातें कर रही है यार दीदी? मैं अपने आनंद की बरसी भूल जाऊंगा क्या? एक ही दोस्त था जी मेरा, वो मेरा दिल दुखा के गया, मैं उसका दिल नहीं दुखाने वाला। और कुछ बात करे यार दीदी, मतलब अब मेरे को रोना, यूं ठीक हूं मैं, ठीक हूं। मुझे रवीना का मुझे नहीं पता, वो अपनी दुनिया में रहती है आजकल। अच्छा दीदी हेलो, हाँ एक बात सुनो यार, वहां पे किसी को भी इमोशनल नहीं होने देना, जब तक मैं नहीं आता ना सबको खुश रखना आपका काम है। अपना आनंद सबको खुश देखना चाहता था ना। चलो ठीक है, बाय। एक साल हो गया यार आज, बड़ा याद आता है। तू ये सुबह सुबह रेडी होके कहाँ जा रही है? आज आनंद भैया की बरसी है ना, मैं कैसे नहीं जाऊंगी वहां। तू श्योर है, पक्का जाना चाहती है? तो चल रहा है कि मैं अकेली जाऊं? नहीं नहीं, चल रहा हूं तेरे साथ, गुस्सा क्यों कर रही है? वो तू अकेली जाएगी तो आनंद तुझसे गुस्सा हो जाएगा। दो मिनट दे, मैं रेडी होके आया, ठीक है? रिचा जैसी बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत प्यार करता हूं मैं उसे, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार मैं आपसे करता हूं भाई। आइए बैठिए। सब यहां हैं, अगर मां भी होती तो कितना अच्छा होता। नहीं गौरव, वीना को यहां पे मत लाओ, गड़बड़ हो सकती है। उसकी अभी ऐसी हालत नहीं है कि पापा, कब तक मां सच को एक्सेप्ट नहीं करेंगी और कब तक हम मां को सच से दूर रखेंगे? एक साल हो चुका है पापा, एक साल। मां वैसी की वैसी ही है, उनका मेंटल कंडीशन बिल्कुल इंप्रूव नहीं हुआ है। शायद बाहर आए उन्हें एहसास होगा कि पूरा एक साल गुजर चुका है और वो ठीक हो जाए।